साइबर क्राइम ब्रांच ने सेक्सटॉर्शन करने वाले अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग महिलाओं के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से दोस्ती करते थे। दोस्ती के बाद व्हाट्सएप नंबर लेकर वीडियो कॉल करते थे और व्हाट्सएप वीडियो कॉल में फोन वीडियो चलाकर लोगों को न्यूड होने का बोलते थे। इसके बाद ये शातिर अपराधी व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मांग करते थे। भोपाल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि सेक्सटॉर्शन के नाम पर पैसे ऐंठने वाले गिरोह सक्रिय है। इसके बाद एक टीम गठित कर इन्हें पकड़ने की मुहिम शुरू की गई और पुलिस ने ठगों को हरियाणा व राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल भोपाल निवासी एक व्यक्ति ने साइबर पुलिस को शिकायत की थी। फेसबुक के माध्यम से किसी महिला के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने पर महिला ने फेसबुक मैसेंजर पर फरियादी से बात की और विश्वास में लेकर फरियादी का व्हाट्सएप नंबर लेकर वीडियो कॉल किया। इस वीडियो कॉल में जिसमें एक महिला न्यूड दिख रही थी, साथ ही महिला ने फरियादी को भी कपड़े उतारने को कहा। फरियादी उसकी बातों में आ गया और इसके बाद उस महिला व फरियादी की न्यूज वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर महिला ने उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मांग की। महिला द्वारा फरियादी से अलग अलग बैंक खातों व मोबाइल वॉलेट में पैसे भेजने को कहा गया। लगातार पैसे देने के बावजूद महिला अधिक पैसों की डिमांड करने लगी, जिससे फरियादी परेशान हो गया और फिर उसने पुलिस में शिकायत की। इसके बाद साइबर क्राइम ब्रांच की टीम हरियाणा व राजस्थान के लिए रवाना हुई और टीम द्वारा आरोपी वसीम को फिरोजपुर झिरका मेवात हरियाणा से, इसके साथ ही आरोपी पुरुषोत्तम व यादराम को अलवर राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है।